तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें दोनों केस था, ये एक्सक्लूसिव था म्यूचुअली और ये एक्सक्लूसिव नहीं था। द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल लाइव अप टू 60 ईयर इज 1/4 एंड दैट बी विल लाइव अप टू 60 ईयर इज 1/3। देन वॉट इज द प्रोबेबिलिटी, किसका निकालना है? ए एंड बी बोथ विल लाइव अप टू 60 ईयर, ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालना है। इस केस में देखिए, ए भी जिएगा बी भी जिएगा, दोनों इंडिपेंडेंट है, यानी कि आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों ही इंडिपेंडेंट केस हैं। इस केस में हम लोग कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करेंगे? मल्टीप्लिकेशन का थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। 60 ईयर अगर ए जीता है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4, ये दिया हुआ है। और अगर बी जीता है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि सिंपल फॉर्मूला लगा इसमें, पी ए इंटू पी बी, पी क्या हो गया? 1/12। ये इजी है, ये इसका आंसर हुआ। अब है कि बोथ डाई बिफोर रीचिंग 60 ईयर। दूसरा क्वेश्चन है कि बोथ डाई बिफोर रीचिंग 60 ईयर। जरा गौर से देखिए, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी था 1/4, तो उसका डेथ प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 - 1/4। हमने पहले ही कहा था कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0 और 1 के बीच में होता है, यानी कि 1/4 अगर उसका सर्वाइवल रेट है तो डेथ प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 - 1/4, यानी कि कितना हो गया? 3/4। उसी तरह से अगर हम लोग बी की बात करें, उसका सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी था 1/3, तो उसका डेथ प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1 - 1/3, इसका मतलब क्या हो गया? 2/3। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया डेथ का ए का और ये हो गया बी का। अब दोनों ही इंडिपेंडेंट है तो इसमें कौन सा थ्योरम इस्तेमाल होगा? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो सिंपल से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, पी ए एंड बी का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? पी ए इंटू पी बी, तो ये क्या हो जाएगा? 3/4 इंटू 2/3, यानी 6/12, ये इसका हो जाएगा आंसर। इसको और अगर सिंपल करें तो 1/2। अब एक क्वेश्चन इसमें बच गया, बैग कंटेन 5 ब्लैक 7 व्हाइट बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन आउट ऑफ इट एंड रिप्लेस्ड इन द बैग, देन ए बॉल इज ड्रॉन अगेन, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल ड्रॉन वेयर ब्लैक, बोथ वेयर व्हाइट, द फर्स्ट बॉल ब्लैक सेकेंड बॉल व्हाइट, द फर्स्ट बॉल व्हाइट एंड सेकेंड बॉल ब्लैक, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा? आई होप कि आप इसको बना पाएंगे। आप इसको बनाइए, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप कमेंट ज़रूर करें क्योंकि मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ। आप इसको बनाइए, अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो हम लोग अगले क्लास में फिर इसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप इसको बना सकते हैं, तो ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। एक नंबर का आंसर है, बोथ द बॉल ड्रॉन वेयर ब्लैक इज़ 25/144। दूसरा का आंसर है, बोथ वेयर वाइट 149/144। तीसरा का आंसर है, द फर्स्ट बॉल ब्लैक सेकेंड वाइट इज 135/144। चौथा है, द फर्स्ट बॉल वाइट सेकेंड बॉल ब्लैक 35/144। ये हमने चारों का आंसर बता दिया। आपके पास क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए और अगर कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है समझने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ज़रूर और भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह आप कोडन वैल्यू से जुड़े रहें, अपना प्यार दें।
हमारे एक मित्र ने कहा है कि डीबीटी के लिए एटलीस्ट 6 फुल टेस्ट सीरीज कराएं और उसका इमोल्यूमेंट सिर्फ 1000 रुपीज़ रखिए। अगर आपने कहा है तो आपकी बात टाली नहीं जाएगी। जैसे आप लोग जानते हैं कि कोडोन बायोलॉजी बायोटेरा टेस्ट सीरीज के साथ मिलके हर साल टेस्ट सीरीज चलाती है, नेट और जेआरएफ से रिलेटेड, सीएसआईआर का, आईसीएमआर का और डीबीटी का, आईसीएआर का, ये सारे टेस्ट सीरीज यहाँ पर चलते हैं, तो आपकी बात ज़रूर रखी जाएगी। अभी अगर आईसीएमआर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हर आईसीएमआर के टेस्ट सीरीज पर कोर्स पर 20% का ऑफ है। दूसरा एक और क्वेश्चन था आरएम बाबूजी का कि मैं कौन सा ऐप इस्तेमाल करता हूँ जिससे कि मैं लिख भी लेता हूँ, इससे मतलब कि एज ए कॉपी पेन की तरह मैं इसको यूज़ करता हूँ, लिखता हूँ। तो मैं बता दूँ, ये एक्सपी का पेन टैब है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, और इसको कनेक्ट कर लेते हैं लैपटॉप के साथ। जब आप कनेक्ट करते हैं तो आप इसमें जो भी चीज़ लिखेंगे एज ए कॉपी की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यही इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैंने इसको बता दिया। आप सभी ने जिन्होंने भी कमेंट किया है कोडन वैल्यू से जुड़े रहने के लिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जब आप कमेंट करते हैं तो वीडियो बनाने में और अच्छा लगता है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं वीडियो को बनाऊं। तो इन्होंने कहा है कि वीडियो डीबीटी के लिए हेल्पफुल है, तो मैं इस पर और वीडियो बनाऊं। मैं ज़रूर इस पर और वीडियो बनाऊंगा। अभी 20 दिन समय है तो कम से कम 10 वीडियो मैं ज़रूर बना के दूंगा। नीचे रचना सिंह जी लिखते हैं कि अगर आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं आपकी क्लास करेंगे, 30 दिन का समय है, चूँकि अभी 30 दिन का समय नहीं है। तो एटलीस्ट 10 क्लासेस मैं ज़रूर ले लूँगा डीबीटी का, जिसमें कि मेन मेन चीज़ें मैं आपको बता पाऊँगा। और ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2012 से 2019 के बीच में, मैं उसे इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन लेकर आपको क्वेश्चन करा दूँ। एक और मैसेज है कि यूनिट कन्वर्सन पे वीडियो बनाना है। ठीक है, मैं अगला वीडियो कोशिश करूँगा कि यूनिट कन्वर्सन पे हो। पहले मैं प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट कर लेता हूँ, जो कि आज मैं भी बता रहा हूँ, और इसके बाद हम लोग यूनिट कन्वर्सन पे भी जाएंगे, और जो भी चीज़ें न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है डीबीटी के लिए, मैं उस पर भी फोकस करूँगा। 10 क्लासेस डीबीटी के लिए ज़रूर होगा, जिसमें से मेन मेन टॉपिक मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर वेबसाइट पे हैं तो वेबसाइट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।